लाखों की संख्या में भीड़ में जुटा हुआ इस छठ पूजा की घाट पे आपको नज़ारा लगेगा कि सिर्फ बिहार ही है, मगर ये सोचना गलत है। मगर देश और विदेशों में छठ पूजा भी मनाया जा रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ बिहारी लोग रहते हैं। और ये जो नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ ये मुंबई का है, और मुंबई का खूबसूरत सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से गांव का आनंद उठाते हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरा नाम अजय ठाकुर, आप देख रहे हैं अजय भोजपुरी चैनल पर, आपको स्वागत करते हैं कि पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अब चलिए लेके चलते हैं जय छठी मैया, पूरी वीडियो देखिएगा आप लोग। अब मैं बात करते हैं कि ये छठ पूजा है। अब आप बोलेंगे कि ये साउंड नहीं सुना रहे, क्योंकि ये साउंड अभी मैंने एक गाना बजा रहा है, गाना की वजह से कॉपीराइट भी मार सकता है इस पर, इसलिए इनका गाना नहीं बजा रहा। मगर ये जो छठ पूजा है पर्वती है और बिहार के लिए महान पर्व, और महान पर्व सबको मनाया जाता है, सब मनाते हैं। और हंसी खुशी इस दिन में बहुत खुश होता है जब छठ पूजा आता है, और गर्व फील होता है कि ये बहुत फिक्र होता है कि बहुत अच्छा छठ पूजा है, और बच्चे बच्चों को बहुत उत्साह होता है कि छठ पूजा मनाया जाता है। ये छठ पूजा बिहार की जैसा यहाँ आपको देखने के मिलेगा, ये महाराष्ट्र मुंबई का ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, क्योंकि ये नज़ारा आपको बहुत, और देखिए छठ पूजा जो लोग दिल से और तन मन से करता है तो उसको कुछ न कुछ मिलता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। घर इनको से छठ पूजा पर्वती से जो भी आपको कुछ भी व्यवस्था करने को होता है वो करिए, आपके लिए सब पूरा मनकामना करेगा। तो ये देखिए छठ पूजा में हम उतना नहीं मैं बता सकता, मगर ये देखिए आप लोग समझते होंगे कि ये बिहार है, मगर बिहार नहीं है। देखिए ये बिहार के साथ साथ में आपको लग रहा होगा कि मुंबई में भी बिहारी बस गया है, जहाँ जहाँ बिहार के लोग हैं वहाँ समझ लो कि ये मुंबई है, मुंबई नहीं बिहार ही समझ लो, या तो देश और विदेश में भी मुंबई माना जाता है। तो वही छठ पूजा ये हमारे बिहार के लिए बहुत महापर्व है, और महापर्व के साथ साथ में हर जगह छठ पूजा मनाया जाता है। अभी हर देशों हर विदेशों में भी छठ पूजा मनाया जाता है। तो हमारे ये संस्कृति है, और ये हमारे राम जी जब रावण को मार के निकले थे, रावण को मारे थे और वापस आए थे, तो छठ पूजा सीता माता ना और राम जी मनाया था। तो उस दिन से छठ पूजा अपना पति के लिए अपना बेटा के लिए मनाया जाता है, और बहुत ही महान पर्व है, उत्साह है, एक जागरूक होता है कि हाँ गर्व फील होता है, छठ पूजा इसको ही मनाया जाता है। और देखिए इतना इतना खुश है कि जितना भी पर्वती को पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है, तो हमारे माँ बाप ने सिखाया है कि संस्कार कभी नहीं भूलने का, विदेशों का है ना देशों में रहो, अपना ये संस्कार हमेशा करना चाहिए बड़े को, और पर्वती है तो उसको आदर्श जरूर करना चाहिए। तो ये देखिए ये मैं आपको नज़ारा ये दिखाया ना कि अब ख़त्म हुआ, कि पर्वती लोग ख़त्म अब जा रहे हैं, सुबह की बेरी है, और सुबह की बेरी में तो आपको देखिए कितना लाखों का भीड़ होगा, क्योंकि ये बिहार में आपको सिर्फ दिखाई देता होगा नहीं, ये जहाँ जहाँ अपना बिहारी भैया अभी देखो यूपी वाला भी करना शुरू कर दिया कि छठ पूजा इसलिए करना है कि इनको भी भगवान आस्था से जुड़े हैं और जुड़ना चाहिए। पर्वती को जितना भी आपको जो बढ़ता है तो आपको करना चाहिए। ये देखो मैं हूँ, आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कि
मैं हूँ। और आपको देखिए ये नज़ारा तो आपको मुंबई महाराष्ट्र का है, और मुंबई महाराष्ट्र का आपको मैं बता, रंजौली भिमंडी कल्याण, रंजौली भिमंडी कल्याण का नज़ारा है। और लाखों की संख्या में भाई, ये लग रहा सच में बिहार है, और बिहार बसा हुआ सबका दिल में भाई। जितना भी पर्वती को पैर ने छुआ, आशीर्वाद भी दिया, और कोई लोग तो मेरे को भी प्रसाद भी दिया, प्रसाद आशीर्वाद सब मिला। और देखो माता रानी छठी मैया की कृपा रहे तो मनोकामना भी पूरा कर सकते हैं, करते हैं, ऐसा बात नहीं है, ऐसे बहुत लोग करते हैं। तो आप क्या राय है कमेंट में आकर बताइएगा, क्योंकि मेरा चैनल पे आप देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर की करिएगा, क्योंकि छठ पूजा की ये जो वीडियो है आप लोग देखेंगे तो आपको गर्व फील होगा कि यार ये लग रहा है कि मुंबई नहीं बिहार, मुंबई में बसा हुआ बिहार है दिलों में। तो आपको देखिए किस तरह से आपको, माना देखो प्रसाद भी हमको मिला है, आपको क्या राय कमेंट में आकर बताएगा।